दिल्ली के जनकपुरी में सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्था का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ। स्वर्ण जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया। शहीद स्मारक पर जगदीप धनखड़ ने पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। हमारे शीर्ष प्रबंधन की ये अपेक्षा थी और उनका ये उद्देश्य था कि हम एजुकेशन के एक्सलेंस सेंटर खोलें। हमने खोले, उन पर प्रयास किया और हमारे चाहे वो स्कूल हैं चाहे इंस्टीट्यूट्स हैं, आज ये देश के श्रेष्ठ संस्थानों में अपना स्थान बना चुके हैं। पिछले दो तीन सालों में हमने और भी चेंजेस किए हैं। मार्केट की डायनेमिक्स को देखा और जो इंडस्ट्री है उसका रिक्वायरमेंट क्या है इसको देखते हुए करिकुलम में और रिक्वायरमेंट में जो गैप था उस गैप को कवर करने के लिए हमने तरह तरह के कोर्सेज इनपुट शुरू किए जो कि करिकुलम से एडिशनल थे। उसका परिणाम ये निकला कि हमारी रैंकिंग पहले से सुधरी है और हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने नेशनल और इंटरनेशनल प्राइजेस लिए हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि अभी नेट की टीम आई थी अगस्त में और नेट की टीम ने जो हमारे यहाँ के बारे में चार बातें कही वो बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ का मैनेजमेंट डेडिकेटेड और प्रोफेशनल है, यहाँ के टीचर्स क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस हैं, यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। कि एजुकेशन दुनिया में आज कहाँ जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर कितनी बातें हो रही हैं। आई वॉज अनलाइटन्ड जब अपने समाज के एक व्यक्ति ने, जब मैं राज्यपाल पश्चिम बंगाल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, इन्वॉल्व तरीके से की, इसकी रिलेवेंस की बात की, वी हैव टू डू इट। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि संतोष करने का काम न तो किसान परिवार कर सकता है, क्योंकि संतोष किस बात का करे, मौसम के कल का भरोसा नहीं रहता है। वी देयरफॉर शुड फॉर्म अ टास्क फोर्स, गेट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल। और आज के दिन दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो गई है। यदि कोविड का एक फायदा हुआ है, द कर्स ऑफ कोविड has resulted in one gain। एक तो इन्होंने वर्चुअल कनेक्ट के बारे में एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया कि वी कैन बी इन कनेक्ट वर्चुअली। एंड सेकेंड, कोविड ने बता दिया कि अपनों के साथ समय बिताओ, वरना लोग इतनी रैट रेस में थे कि जिनके साथ समय बिताना चाहते थे और बिताने का मन था बिता नहीं पा रहे थे, मजबूरन जब बिताना पड़ा समय कोविड की वजह से, तो पता लगा कि कितना नुकसान हो गया, पहले क्यों नहीं बिताया। श्री महामहिम हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का, जिन्होंने जब हम लोग गए तो इन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, जब महाराजा सूरजमल जी की इस संस्था का नाम बताया कि वहाँ हम गोल्डन जुबली मना सकते हैं, आपकी उपस्थिति उसमें हो तो बहुत अच्छा, तो उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया वहाँ करते और आगे भी ये आश्वासन दिया है। और इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति निवास के दरवाजे भी खोल दिए हैं एक तरह से कि आप जो भी कोई विजन लेके वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लिए भी उन्होंने जो बातें उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है उन पे हमारी संस्था पूरी तरह से गौर करेगी। कप्तान सिंह जी ने अनाउंस कर दिया है और हम भी आगे, हमारी पूरी टीम जो विद्वान हमारे एक हाई लेवल कमेटी जो हमारी है वो सारे मिलके जो आदेश दिया है उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी वीरेन चौधरी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और ये स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होने वाला है आज का दिन, महामहिम आज इस इवेंट का हिस्सा रहे।
देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्था 50 वर्ष पूर्व कर रही है। इस संस्था की नींव आज से 50 वर्ष पूर्व रामनिवास जी मिर्दा साहब, नाथुराम जी मिर्दा साहब, उन्होंने एक विज़न लिया था और विज़न के साथ इस संस्था की नींव रखी थी। 50 वर्षों में संस्था ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आज संस्था एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाती है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाती है, लॉ कॉलेज चलाती है और विशेष तौर से देहात से जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए एक स्कूल बीकानेर में चलाती है, शामली के अंदर एक स्कूल है और अभी हमने बहादुरगढ़ में एक स्कूल चालू की है। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी और महामहिम ने जो हमें एक दिशा देने की बात कही, ये बहुत ही मैं मानता हूँ कि उनके जो विचार थे हमारे लिए बहुत उच्च विचार थे और आने वाले समय में जिस तरीके से वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, उन्होंने एलुमनाई के बारे में बताया। ये दोनों ही विशेष जो बातें हमारी संस्था के लिए वो देखे गए, मुझे लगता है कि हमारी कमेटी बैठ के उसके ऊपर बहुत जल्द बहुत बढ़िया काम करेगी। महाराज सूरजमल का भी उन्होंने जिक्र किया अपने पूरे स्पीच के दौरान और जिस तरीके से एक संस्था को आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन में जो चेंजेस होने चाहिए, जो बदलाव होने चाहिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, ये एक बहुत मैं कहता हूँ बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि बदलाव आवश्यक है और विशेष तौर से अगर किसी महान पुरुष के याद में अगर कोई संस्था है और वो शैक्षणिक संस्था है तो हमें इस बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान करना चाहिए कि चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से विश्व के अंदर जो संस्थाएँ आज 200 साल पुरानी हैं, उन संस्थाओं के अंदर उन्होंने हरदम नए युवाओं को जोड़ा, नए विचार लेके आए और नए विचारों के साथ संस्थाएं आगे बढ़ी। और सूरजमल जी अपने आप में एक महान पुरुष थे, मतलब उनके बारे में इतिहास के पन्नों में जितना लिखा गया है वो भी बहुत कम है। वो अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो जो विचार महामहिम ने यहाँ रखे, उन विचारों के साथ हम लोग इस संस्था को बहुत आगे लेके जाएंगे। सर, एजुकेशन जिस तरीके से सिनेरियो इन दिनों बदल रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एक शिक्षा संस्थान का हिस्सा हैं, फुटप्रिंट्स लोग फॉलो करते हैं, तो उन तमाम युवाओं के लिए जो इस वक्त मुझे और आपको यहाँ भारत 24 के जरिए देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट संदेश है, शिक्षा के बिना बदलाव नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्व के अंदर जिन देशों ने शिक्षा को सबसे उत्तम समय दिया है और सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं करी, वो राष्ट्र आज दुनिया के सिरमौर है। भारत के लिए, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत 24 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।